टॉप 5 बेस्ट फोन अंडर 15,000 रुपीज। सो गाइस, अगर आप आज के समय पर अपने लिए कोई पावरफुल स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं और साथ ही साथ आपको बढ़िया कैमरास, तगड़ी क्वालिटी की डिस्प्ले, अच्छे खासे मल्टीमीडिया स्पीकर्स और तो और गेमिंग के लिए धांसू प्रोसेसर चाहिए, सो गाइस आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस लिस्ट को, और सबसे पहले हम बात करते हैं उन यूजर्स की जिन्हें भाई इन्फिनिक्स की तरफ से एक कमाल का स्मार्टफोन लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्फिनिक्स 05G 2023 एडिशन। बात करें इस फोन की गाइस, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है, पर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के काफी कमाल के दिए गए। वहीं पर डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर 6.78 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली आईपीएस एलसीडी पैनल लगी हुई है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। 500 नीट्स की ब्राइटनेस दी गई है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट आपको मिल जाती है। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी दी गई है। चलिए बात करते हैं कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है डे लाइट, और साथ ही साथ दोस्तों लो लाइट में भी आपको यहाँ पर थोड़ी सी बेटर फोटोज देखने को मिल जाती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर अल्ट्रा एचडी की वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकेंगे अप टू 30 fps, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की दोस्तों। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 920 का चिपसेट, जो कि दोस्तों 6nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। तो फोन काफ़ी कम गर्म होता है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा लिक्विड कूलिंग चैम्बर भी दिया गया है। वैसे दोस्तों ये स्मार्टफोन अंतुतु पर लगभग 460,000 के आसपास स्कोर भी कर जाता है, सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आती है। वैसे ये फोन काफ़ी अच्छी गेमिंग भी कराता है। इन सभी के अलावा LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 का आपको यहाँ पर स्टोरेज भी मिल जाता है, सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आती। बात कर ले पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी, 33W की चार्जिंग का सपोर्ट, चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, और ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर आता है, और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन अप टू 12 5G बैंड को सपोर्ट भी करता है। और तो और आपको यहाँ पर 5GB की वर्चुअल रैम भी देखने को मिलेगी, यानी कि दोस्तों 8GB प्लस 5GB 13GB तक की रैम और 128GB की स्टोरेज आपको मिल जाती है, और इसके लिए आपको देंगे 15,999 रुपये। पर दोस्तों अभी आपको यहाँ पर कुछ बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जिसे अप्लाई करके ये फ़ोन आपको मिलेगा 14,700 रुपये की प्राइस पर, और इफेक्टिवली देखा जाए तो काफ़ी अच्छी प्राइस पर मिल रहा है। आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इस बजट के अंदर एक नॉन चाइनीज़ फ़ोन ढूंढ रहे हैं और तो और आपको 5G का सपोर्ट भी चाहिए, तो आप यहां पर देख सकते हैं सैमसंग का गैलेक्सी F14 5G। बात करें इस फोन की, तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है, पर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहां पर बहुत अच्छे दिए गए। डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली PLS LCD पैनल। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। अप टू 500 नीट्स तक की ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिसेंट देखने को मिलेगी। बात करते हैं आप यहाँ पर कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जो कि F1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो शूटर दिया गया है। सेल्फी की बात करें तो आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर डिसेंट है। आउटपुट की बात करें भाई, तो डे लाइट में आपको यहाँ पर फोटोज में कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की, तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 fps। चलिए परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों। तो इस फोन के अंदर आपको 5nm बेस एक्सिनोस का 1330 का चिपसेट देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो चिपसेट है ये कॉम्पिटिटर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का, जो कि आपको यहाँ पर ओवरऑल CPU परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है। हालांकि गेमिंग आपको यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं करा सकता, लेकिन आपको डेली जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी निकाल कर देता है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और EMMC 5.1 वाला स्टोरेज आपको यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फ़ोन के पावर हाउस की। तो इस फोन के बैक साइड में 6000mAh का बड़ा सा बैटरी आपको मिलता है, और साथ ही साथ ये फ़ोन 25W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। हालांकि दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, साथ ही साथ चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है। तो ओवरऑल बैटरी तो अच्छी है, लेकिन चार्जर बॉक्स के अंदर होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो यहाँ पर मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, और तो और ये फ़ोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर, लेकिन यहाँ पर आपको कोर एडिशन देखने को मिलता है। पर ओवरऑल सॉफ्टवेयर से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ गाइस, ये जो फ़ोन है ये आपको लगभग सभी 5G बैंड के सपोर्ट के साथ में मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो 6 और 128 के लिए नॉर्मली आप
पर क्या हो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर एक स्टॉक यूआई वाला फ़ोन ढूंढ रहे हैं, साथ में आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, 120 हर्ट्ज जैसी डिस्प्ले चाहिए और अच्छे कैमरास वगैरह भी चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मोटो का G62। ये जो फ़ोन है ये आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई है और साथ ही साथ हल्के फुल्के वाटर प्रोटेक्शन के साथ में आता है। रही बात स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली आईपीएस एलसीडी पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है और 600 नीट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस भी दी गई है। साथ ही 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो बजट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर तीन कैमरास मिलेंगे, जहाँ पर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर दिया गया है। कैमरा सेटअप फोन के यहाँ पर अच्छे हैं, डे लाइट में फोटोज भी काफी अच्छी आ जाती हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफी सारे डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 60 fps और फ्रंट से आपको यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 fps। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट। वैसे दोस्तों ये इस बजट के अंदर आने वाला एक वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है, जो कि आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है और दोस्तों ये फोन लगभग 4 लाख के आसपास अंततः स्कोर भी कर जाता है। साथ ही साथ LPDDR4X रैम और UFS 2.2 वाला आपको यहाँ पर स्टोरेज भी दिया गया है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी और 20 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर जिसकी ऑडियो क्वालिटी काफी क्रिस्प और लाउड है, साथ ही साथ हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, लेकिन बहुत ही जल्द एंड्रॉइड 13 का अपडेट आपको इस फोन के अंदर मिलने वाला है। सो ओवरऑल फोन काफी अच्छा है, अप टू 12 5G बैंड के साथ में भी आता है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको देंगे 15,999 रुपए। बात करें फोन की या फिर यूं कहें कि एक अच्छे खासे ऑलराउंडर पैकेज की, तो दोस्तों ये फोन है यहाँ पर पोको का X5। प्लास्टिक बिल्ड पर मिलेगा पर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और साथ ही साथ ये फोन भी हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है। डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट। तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मिल जाती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर तीन कैमरास मिलेंगे, मेन कैमरा लगा हुआ है 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है, वैसे डे लाइट में फोटोज भी काफी कमाल की निकल कर आती हैं और साथ ही साथ काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 fps। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर भी आपको वही सेम चिपसेट मिल जाता है, 6nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का, जो कि अराउंड यहाँ पर 4 लाख के आसपास अंततः पर स्कोर करता है, यानी दोस्तों आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस डिसेंट मिल जाती है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर दिया गया है, तो परफॉर्मेंस आपको बजट के अंदर अच्छी निकाल कर देता है। वहीं पर फोन के पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी, 33 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स और हाइब्रिड कार्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। वैसे ये फोन एंड्रॉइड 12 पर ही लॉन्च किया गया है, लेकिन आपको यहाँ पर पोको की कस्टम स्किन MIUI 13 का सपोर्ट मिल जाता है। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन अप टू 7 5G बैंड के साथ में आता है। सो अगर आप इस बजट के अंदर कोई एक बेस्ट स्मार्टफोन चाहते थे तो आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 6 और 128 के लिए इस समय आपको दे देंगे 15,999 रुपए और देखा जाए भाई तो 16,000 रुपए के अंदर एक काफी अच्छा और तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। आप चाहें तो इसे डेफिनेटली यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों बात करें लिस्ट के आखिरी फोन की, तो यहाँ पर हमने रखा हुआ है Realme की तरफ से आने वाला Realme का 9 5G स्पीड एडिशन। उनकी गाइस तो ये फोन भी आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है बट मिनिमल डिजाइन के साथ में आता है, तो डिजाइन भी फोन का काफी अच्छा दिया गया है। वहीं पर अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली आईपीएस एलसीडी पैनल, पैंडा ग्लास का सपोर्ट मिल जाता है, 600 नीट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिलती है। डिस्प्ले क्वालिटी बजट के अंदर देखेंगे तो बहुत अच्छी है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिलते हैं, मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का लगा हुआ है, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। कैमरा सेटअप फोन के यहाँ पर डिसेंट है लेकिन आउटपुट काफी अच्छे निकल कर आते हैं। साथ ही साथ आपको सभी रियलमी स्मार्टफोन के कैमरा फीचर के अंदर काफी सारे अलग अलग मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें गाइस तो ये स्मार्टफोन आपको अल्ट्रा एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग करा देता है बैक कैमरा से अप टू 30 fps, फ्रंट कैमरा से आप यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 fps।
तो चलिए अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। तो स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलता है 6 NM बेस्ड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G जैसा पावरफुल गेमिंग चिपसेट, जहां पर आपको मिलता है एड्रेनो 642L का GPU, जो कि दोस्तों इस बजट के अंदर आपको टॉप नॉच गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। अंतत की बात करें गाइस तो ये स्मार्टफोन लगभग 5.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको दिया गया है। तो परफॉर्मेंस वाइज फोन के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी लगी हुई है। 30W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। बैटरी मॉडल भी फोन का यहाँ पर अच्छा है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 पर, लेकिन बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 12 का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर आप यहाँ पर इस बजट के अंदर एक तगड़ा गेमिंग फोन ढूंढ रहे हैं रियलमी की तरफ से, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 6 और 128 के लिए इस समय आपको पे करने पड़ेंगे 14,999 रुपये, और भाई 15,000 रुपये की प्राइस पर देखा जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रोसेसर है और तगड़ी परफॉर्मेंस आपको निकाल कर देता है। तो आप चाहे तो इसे डेफिनेटली यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों थोड़ा सा पुराना ज़रूर है, लेकिन फ़ोन ज़बरदस्त है। वैसे दोस्तों सभी के जो लिंक्स हैं वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और उम्मीद है कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।